नमस्कार। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालेवाल। बीजेपी प्रदेश कार्यालय रायपुर में संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई। इस दौरान सीएम विष्णु देव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी मौजूद रहे। बता दें कि मंतू राम पवार अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। वहीं अरुण साव मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कल सभी प्रकोष्ठों की हुई संयुक्त बैठक हुई थी, सभी मोर्चों की संयुक्त बैठक है। ये सभी बैठक लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखकर की जा रही है। 10 साल में मोदी की सरकार में देश की दिशा और दशा बदल दी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए अरुण साव ने कहा कि भूपेश बघेल अपनी कार्यकाल की चिंता करें, उन्होंने किसानों के साथ कितना अत्याचार और अन्याय किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस डूबती हुई जहाज है, कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता जनता से दूर जा चुके हैं, इसीलिए कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कल सभी प्रकोष्ठों की संयुक्त बैठक हुई थी, आज सभी मोर्चों की संयुक्त बैठक है। ये सारी बैठकें लोकसभा चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखकर की जा रही है। आज जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश की दशा और दिशा बदली है, पिछले 2.5 महीने में विष्णुदेव साय की सरकार ने मोदी की गारंटी पूरा करने का सिलसिला प्रारंभ किया है। इन सब कामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक मतदान केंद्र तक जा रहे हैं और 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए आज संयुक्त मोर्चा की बैठक में रणनीति बनेगी। रायपुर में बीजेपी संयुक्त बैठक के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बिलासपुर जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, पूर्व विधायक, कांग्रेस नेता मंतू राम पवार सहित कई पंचायत सदस्य लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें कि अरुण सिंह चौहान कांग्रेस के समर्थन से जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के सातों मोर्चा का संयुक्त बैठक है और इस बैठक में हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री अजय जामवाल जी, हमारे प्रदेश के एसोसिएट अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे डिप्टी सीएम साहब अरुण साव जी और सभी मोर्चों के प्रभारी और अध्यक्षगण और पूरे प्रदेश से सातों मोर्चा के कार्यकर्ता भारी संख्या में आए हुए हैं। और ऐसे अवसर में आज बहुत लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी प्रवेश किए हैं, जिसमें बिलासपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं, 2-3 और जिला पंचायत के सदस्य हैं, मंतूराम पवार जो पूर्व विधायक हैं वो भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। बीजेपी के संयुक्त मोर्चा की बैठक प्रदेश कार्यालय में हुई, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से चर्चा की गई। बैठकों का क्रम निरंतर लगातार जारी है। पूरे छत्तीसगढ़ के साथ मोर्चा की संयुक्त बैठक हुई है। मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। साथ ही लोकसभा चुनाव में प्रत्येक कार्यकर्ता जिम्मेदारियां निभाएंगे। साथ ही किरण सिंह देव ने कहा कि 11 लोकसभा सीट में विजय सुनिश्चित करने की दृष्टि से काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश के निचले स्तर तक गतिविधियों को संचालित करना है। पिछले 1 महीने से कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ ही बीजेपी के सभी नेता और कार्यकर्ता लोगों तक जा रहे हैं। वहीं मोदी की गारंटी पर काम भी लगातार हो रहा है। 10 ऐसे हमारे गतिविधियां हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के निर्देशानुसार, जिसके कार्यक्रम पूरे नीचे तक उसकी गतिविधियों को संचालित करना है। पिछले 1 महीने से समयबद्ध कार्यक्रमों के माध्यम से उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, उसमें और तेजी से, और विशेषकर जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्याणकारी योजनाएं, जो मोदी जी की गारंटी की योजनाएं हैं, और जब विधानसभा चुनाव में प्रचार के समय भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने, सभी प्रत्याशियों ने और सभी कार्यकर्ताओं ने जनता के समक्ष जाकर जो 4 वादे महत्वपूर्ण किए थे कि हमारी सरकार बनते ही
आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है, गारंटी के ऊपर जो गारंटी का काम करने का काम किया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सरगुजा चुनाव कार्यालय में चुनाव क्लस्टर प्रभारी अमर अग्रवाल ने लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति और चुनाव कमेटी की बैठक ली। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर क्लस्टर प्रभारी अमर अग्रवाल ने विभिन्न विषयों पर बिंदुवार चर्चा की। उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों को शक्ति केंद्रों में बैठक लेकर 25 बिंदुओं पर तत्काल काम शुरू करने का निर्देश दिए। साथ ही सरगुजा लोकसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी घोषित होने पर कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि आचार संहिता से पूर्व ही प्रत्याशी के नामों की घोषणा करके संगठन ने हमें जनता के बीच जाने के लिए पर्याप्त समय दे दिया है। अब हमें बिना समय गवाए अधिक से अधिक घरों तक पहुंचना है। और लोकसभा सरगुजा बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से मेरा नाम सांसद प्रत्याशी के रूप में चुना गया। वो दीनदयाल समृद्धि योजना के कारण 12 तारीख को एक मुफ्त कांग्रेस की सरकार 4 मुफ्त किस्तों में देती थी, वो हम देने जा रहे हैं। ये हमारे मुख्य चुनाव मुद्दे होंगे। आज अंबिकापुर में जो हमारी प्रबंध समिति है, कोर ग्रुप है, विधानसभा के प्रभारी संयोजक, हम लोगों ने बैठा और बैठकर कल से हमारा अभियान प्रारंभ हो जाए उसके लिए हमने विचार विमर्श किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अंबिकापुर लोकसभा के लिए चिंतामणि जी को प्रत्याशी घोषित किया है। आज ये भी मीटिंग में विशेष रूप से हम लोगों के साथ थे। रायपुर में बीजेपी की सूची के बाद कांग्रेस के रणनीति में बदलाव के सवाल को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी रणनीति में कोई बदलाव नहीं होगा। जो पीईसी और सर्वे में नाम है उस पर मोहर लगेगी। वहीं बीजेपी प्रत्याशियों के टिकट और कई नेताओं के राजनीति छोड़ने पर भूपेश बघेल ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि इसका ये अर्थ है कि बीजेपी की लोकप्रियता नहीं रही, अब धरातल में लोग चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। बीजेपी में स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रभारी महामंत्री मूलकित सिंह गेंदू, सुरेंद्र शर्मा, महेंद्र छाबड़ा मौजूद रहे। बता दें कि कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस की सरकारी के दौरान ईडी बहुत ज्यादा सक्रिय थी। ईडी ने तथा कथित शराब घोटाला, कोल घोटाले की बात कही। ईडी ने तथा कथित लेन देन की शिकायत एसीबी और ईओडब्ल्यू को पत्र लिखा, जिसमें चिंतामणि महाराज पर भी 5 लाख लेने का आरोप लगाया गया। बीजेपी में शामिल होते ही चिंतामणि महाराज पाक साफ हो गए। इसमें जिन 35 लोगों का एसीबी ने एफआईआर दर्ज किया, जिसमें पूर्व कांग्रेस नेता चिंतामणि महाराज का भी नाम है। इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के दौरान ईडी बहुत ज्यादा सक्रिय थी। ईडी ने कांग्रेस की सरकार के दौरान यहां पे तथाकथित रूप से शराब घोटाला, कोयला घोटाला आदि आदि अन्य घोटालों की बात की। 3 साल तक जांच किया। तथाकथित कोल घोटाले की जांच के बाद जब ईडी कुछ नहीं हासिल कर पाई तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए जो उम्मीदवारों की सूची जारी की है उसको लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख ने तंज कसा। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सामरी के विधायक चिंतामणि महाराज, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए सरगुजा से अपना प्रत्याशी चुना है, उस पर 5 लाख रुपए के कोल मामले के पैसा लेने का तथाकथित आरोप है। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर रही है, जो पहले से ही ईडी के कार्यवाही में शामिल है। बता दें कि साथ ही उन्होंने आज अपने वक्तव्य में कहा कि कांग्रेस शासनकाल में कांग्रेसी नेता मंत्री सभी के पीछे ईडी आईटी के छापे लगातार पड़ रहे थे, लेकिन वही कांग्रेसी नेता पार्टी छोड़कर जब बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। उन्होंने बीजेपी को वॉशिंग मशीन पार्टी बताया।
ने यहाँ पे लगाया कि जनता बड़ी महिलाओं को तथाकथित रूप से कोल घोटाले में 5,000 रुपये मिला था। ये जनता बड़ी और लेकिन एसीबी ने जो एफआईआर दर्ज किया उसमें चिंतामणि का नाम छोड़ दिया, जबकि इसी पर लगा रहा था एसीबी ने 35 लोगों को जमाया चिंतामणि का नाम छोड़ दिया। पिछले भी चिंतामणि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, पूजा का सत्या है, भाजपा को उसका जवाब देना चाहिए। चिंतामणि जी को यह जवाब देना चाहिए कि 5,00,000 रुपये देने का जो आरोप ईडी ने उनके ऊपर लगाया था वो सही है या गलत। रायपुर में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि वे लोकसभा चुनाव से पहले भाई और कसाई की सूची जारी करेंगे। भाई और कसाई को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि जो दल गोहत्या रोकने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाते हैं वे कसाई की सूची में डाले जाएंगे, वहीं जो दल गो माता का संरक्षण करते हैं वो हमारे भाई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता जारी होने के बाद भाई और कसाई की सूची जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसी सूची को घर घर में भेजा जाएगा और भाई को वोट देने की अपील भी की जाएगी। हम कहते हैं कि धर्मांतरण पहले हो रहा था, आपने बताया बहुत अच्छी बात है, ये तो नहीं होना चाहिए। अब आपके पास सरकार है, आप कड़े से कड़ा कानून लाओ। हम सबसे जो सहयोग चाहिए वो भी मांग लो, ले लो तत्काल, नगद दे देंगे हम और उसको बंद कर दो। आगे से ये खबर नहीं आनी चाहिए कि अमुक जगह पे धर्मांतरण हो रहा है। इसको ही तो है, कोई तो है ना इसका संरक्षण दे रहा है। और अभी तो जब से हमने गौ हत्या का आंदोलन चलाया है बहुत सारे लोग हमको बता रहे हैं कि सारे नेताओं की समस्या हो जाएगी महाराज जी, क्योंकि सारे नेता, माने सारे का मतलब सब नहीं होता है, सारे का मतलब बहुमत होता है, और सारे का मतलब सारे पुलिस वाले, वहाँ भी सारे का मतलब सब नहीं है, सारे का मतलब बहुमत है, ये सब मिले हुए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य पेंशनर्स महासभा ने राजनांदगांव शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने ध्यान आकर्षण प्रदर्शन करते हुए अपनी 2 सूत्रीय मांगों से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को अवगत कराया और जल्द से जल्द मांग पूरी करने की गुहार भी लगाई है। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर आगामी लोकसभा चुनाव के बहिष्कार को लेकर चेतावनी दी गई। छत्तीसगढ़ राज्य पेंशनर्स महासभा ने राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने ध्यान आकर्षक प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि ज्ञापन सौंपकर अपनी 2 सूत्रीय मांगों को पूरा करने को लेकर गुहार भी लगाई, वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी गई। ध्यान आकर्षक प्रदर्शन के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य पेंशनर्स महासभा के जिला अध्यक्ष IC श्रीवास्तव ने कहा कि लंबे समय से हम 4% महंगाई राहत की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं की जा रही है। 4% महंगाई भत्ता जो 2023 से हमारा है, और इसको पहली सरकार और इस सरकार दोनों ने आश्वासन दिया था कि हम आपको देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। और धारा 49 जो 2000 में था उसको विलोपित करने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, जिससे कि हमको जो भी दिए बढ़े हमको तुरंत हमारी सरकार हमको दे सके। धारा 49 को विलोपित करने का मांग है, 4% दिए का मांग, वही मांग है। और शांतपुर धरना प्रदर्शन है, और अपनी बात को रखेंगे कि हम आपके चुनाव में भी हम क्या कर सकते हैं ये सब जानते हैं। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, उसी में एक कदम आगे बढ़ते हुए उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने व्याख्याता प्रशिक्षण में उत्तीर्ण हुए हैं। बता दें कि 48 अभ्यर्थियों को राज्य शासन की ओर से नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। वहीं मोहन अग्रवाल ने कहा कि मोदी की गारंटी है जो हमेशा पूरी होती है, पिछले 5 सालों में युवाओं के साथ सिर्फ सीधा सीधा छल कपट किया गया, बेरोजगारी भत्ता देने की बात करने वाली कांग्रेस ने युवाओं को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया, हमारी सरकार जो बोलती है वो ही करती है, इसीलिए हम नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं ताकि युवा अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें और छत्तीसगढ़ राज्य को विकसित बनाने में अपना सहयोग कर सकें। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष PN सिंह बोकारो परिसदन पहुंचे, जहां PN सिंह ने जिला अध्यक्ष पंकज राय सहित जिला के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। PN सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे मोर्चे का निर्णय 10 मार्च को बैठक में होगा। बैठक में ये तय किया जाएगा कि हम कहां कहां प्रत्याशी देने की स्थिति में हैं। जहां प्रत्याशी देने की स्थिति में हैं वहां जिन स्थानों में मोर्चा किसी का समर्थन करेगी ये भी तय किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे
दल के संस्थापक सरयू राय झारखंड में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने वाले के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। भारतीय जनतंत्र मोर्चा आगामी 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में अपने सभी जिला के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही है और आगामी लोकसभा चुनाव में कहाँ हमारे उम्मीदवार दे सकते हैं, कहाँ मेरा संगठन मजबूत है, कहाँ हम कमज़ोर हैं, इन सब बातों के लिए चर्चा के लिए रायशुमारी, एक आम लोगों की जो रायशुमारी है उसी संदर्भ में आज बोकारो में हम लोग आए हुए हैं। केंद्रीय टीम के रूप में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लोहरदगा में भूमाफिया के खिलाफ निंगनी गांव के ग्रामीणों ने रैली निकाली। रैली में जिला पदाधिकारियों ने हाय हाय भूमाफिया, होश में आओ, सार्वजनिक जमीन बेचना बंद करो आदि के नारे लगाए। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि गांव में सरकारी जमीनों पर स्थित सार्वजनिक बच्चा मसना, खरिहान, प्राथमिक विद्यालय आदि निर्मित है जिसको क्षेत्र के लोग सदियों से उपयोग करते आ रहे हैं, जिसे कुछ भूमाफिया ग्रामीणों से मिलकर बेचने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आज जो ये रैली हम लोग निकाले हैं, ये कुछ भूमाफियाओं ने बाकास, भूहरी, पथलगड़ी, खुटकटी जमीन जैसे हैं उस ऐसे जमीन को ये लोग बेचने का प्रयास कर रहे हैं। ये घटना बरसों से चली आ रही है। हमारे पूर्वज भी इस जमीन के विषय में कितने बार लड़ाई लड़ चुके हैं। ये 331 खाता नंबर, प्लॉट नंबर 2043 का बच्चा मसना में सार्वजनिक स्थान है, उसमें सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए उस जमीन को सुरक्षित ग्रामीणों के पास ही उपयोग में रहे और हमेशा से उपयोग में रहती है और हमेशा उपयोग में रहेगी। गांव में एक सरकारी प्लॉट है जिसमें हमारे ग्राम के ग्रामवासियों में जब भी कुछ फंक्शन करने का कार्य वहाँ करता है तब तब वहाँ जमीन माफियों के द्वारा हम लोग को रोक लगाया जाता है कि ये मेरा जमीन है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।